सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सहने वाला ही जानता है कि वो किस तकलीफ में है। दुनिया वाले तो सिर्फ उसकी बाहर की हंसी देखते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ होता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों में चलकर कुछ बनने की ठान लो। आज का पंचांग 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि शाम 6:02 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 9:16 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:46 से 11:30 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 9:16 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मीन राशि 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, आपकी मन की आवाज अब सक्रिय है और हर काम में आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। आप मजे बंजे में भी आसानी से जोखिम उठा पाने की स्थिति में हैं। भाग्य आपके साथ है, फिर भी आपको कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। आप भावनाओं के बाढ़ को अनुभव करेंगे। पुराने दोस्तों या परिचित के सामने आने से खुशी भी होगी। भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास अधिक रखें, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होगा। आपकी योग्यता व कार्य क्षमता आपके लिए नई उपलब्धियां तैयार करेगी तथा रिश्तेदार व दोस्तों के साथ भी संबंध और अधिक मजबूत होंगे। लोगों को दिए गए उधार पैसे और क्लाइंट के पास अटके हुए पेमेंट को प्राप्त करने के लिए प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने डर को मिटाने के लिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। कठिन कामों को आज ही अंजाम देने की कोशिश करें। व्यापार से जो फायदा प्राप्त हो रहा है उसका इस्तेमाल काम को बेहतर करने के लिए करना होगा। किसी व्यक्ति के लिए बढ़ा हुआ प्रेम और आकर्षण केवल एक तरफा हो सकता है। सेहत को सुधारते समय संयम रखकर प्रयत्न जारी रखें। सावधानियां, आय के स्रोतों में कमी और खर्चों में अधिकता रहने की वजह से कभी कभी मन परेशान रह सकता है, परंतु इस समय नकारात्मक वातावरण की वजह से इस बात के लिए तनाव लेना उचित नहीं है। समस्या का समाधान निकालने के लिए अनुभवी व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपनी परेशानियों में जीवन साथी व पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अवश्य लें, इससे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। अच्छा, आपको चारों तरफ से रोमांटिक संबंध के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपना पार्टनर चुनने से पहले अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोच लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। अगर आपका पहले से कोई संबंध है तो आप इसे अगले स्तर पर ले जा सकती हैं। आपके पार्टनर फिलहाल आपको लेकर काफी पजेसिव और अंतरंग अनुभव करेगा। अब आपकी प्रतिक्रिया से इस संबंध का आगे का रुख तय होगा। बात करते हैं करियर की। हालांकि आपको अपने कार्य स्थल पर हास्य और आनंद लेने की कला आती है, परंतु अब आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप आज एक गैर जरूरी कार्य में भी गंभीर मुद्रा में रहेंगे। एक सहयोगी की सुस्ती और लापरवाही के कारण आप उसका काम अपने लिए करा सकती हैं, इसलिए आप पर कुछ अनुचित कार्य का दबाव आज बन सकता है। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से मंदी का असर आपके व्यवसाय पर भी पड़ता है। हिम्मत न हारे और व्यवसाय गतिविधियों में कार्य प्रणाली पर कुछ बदलाव लाने संबंधित योजनाएं बनाएं। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ कर खाना खा रही हैं, कई बार डिनर भी बाहर हो चुका है। इस सब का नतीजा यह होगा कि आज आपको पाचन तंत्र की परेशानी होने वाली है। अपचय और पेट दर्द हो सकता है। आपको अपने खाने पर नियंत्रण करना होगा।
पानी भी अधिक पीना होगा। आपको अपने दांतों की सफाई का भी बहुत ध्यान रखना होगा। आज का उपाय, आज जब गरीबों को हो सके तो दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।